हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजन अंसारी। आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क्स। ये मारुति एर्टिका है और ये गाड़ी मेरे पास आई है पिकअप के इशू के लेके, क्योंकि ये गाड़ी में पिकअप नहीं है। जैसी पिकअप चाहिए वैसा पिकअप है ही नहीं इसमें। और इसकी मीटर में एड भी शो कर रहा है माल फंक्शन लाइट इंजन चेक लाइट। तो मुझे इसका फॉल्ट भी मिल गया है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। और मैं ये चेक लाइट जो आ रहा है इसके लिए एक बार स्कैन करके देखता हूँ, और स्कैनर में भी देख लेते हैं क्या क्या फॉल्ट आता है। और एक जो फॉल्ट मुझे मिला है वो भी आपको बताता हूँ। तो स्कैनर में वही फॉल्ट भी आ जाएगा, तो हम करने जा रहे हैं इसको स्कैन और देख लेते हैं इसमें क्या फॉल्ट बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 5-6 फॉल्ट है। इमोबिलाइजर, कम्युनिकेशन, ग्लो प्लग, कंट्रोल मॉड्यूल और इंजन ओवर टाइम, तो ये सब तो हिस्ट्री में बता रहा है। और ये करंट में बता रहा है P0403 एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ये कंट्रोल सर्किट, ये फॉल्ट करंट में है। और बाकी जितनी भी फॉल्ट है सब हिस्ट्री में है। तो एक बार हम फॉल्ट को भी क्लियर करेंगे। फॉल्ट क्लियर कर दिया हूँ, अभी देखते हैं। तो जो सिर्फ करंट वाला फॉल्ट था वो रह गया है, और इसकी वायरिंग का प्रॉब्लम है तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं इसका वायर चूहे ने कट कर दिया है। ये EGR का वायर है और EGR आया इधर। ये इसका सॉकेट, ये देख सकते हैं इसका वायर गया यहाँ पे। तो ये वायर को रिपेयर करना पड़ेगा मुझे, और इसका जो पिकअप पहले जैसा था वैसा हो जाएगा फिर से। तो EGR नहीं चलने वैसे पिकअप में प्रॉब्लम आया, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। ये मुझे पहले दिख गया था ये फॉल्ट, लेकिन मैं बोला एक बार स्कैन करके देख लेते हैं और कोई फॉल्ट है क्या, किधर और कुछ चूहे वगैरह कट किया है क्या। तो सिर्फ एक वायर ही कट किया था इसका, तो इसको हम रिपेयर करेंगे और इसका फॉल्ट कोड जो है वो क्लियर कर देंगे। हमने EGR का वायर रिपेयर कर दिया, अच्छे से टाइपिंग वगैरह कर दिया इसको, अभी इसका जो फॉल्ट कोड है वो क्लियर करते हैं। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया और चेक इंजन लाइट इसका चला गया है, और ये फॉल्ट कोड फिर से एक बार देखते हैं। तो मैंने बैक नहीं किया था स्कैनर को, तो अभी हिस्ट्री में आ गया, पहले करंट में था, अभी ये फॉल्ट कोड जो है क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर फॉल्ट कोड, नो DTC। तो सिर्फ एक वायर कट होने की वजह से इस गाड़ी में पिकअप का प्रॉब्लम आ गया था, तो हमने वायर को रिपेयर कर दिया, अभी इसका पिकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।